हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविल बॉडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास में रात्रि के 10 बजे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन का। और आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक। वेरी गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। आवाज़ भी आएगी, दिल से सुनेंगे तो आवाज़ आएगी। नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए तो आई होप सब कुछ ठीक है, तो क्लास स्टार्ट की जाए। और पहला सवाल जो है आज का वो आपकी स्क्रीन पर, यानी कि क्वेश्चन 101। चलिए पहला सवाल जो है आज का वो आपकी स्क्रीन पर, यानी क्वेश्चन 101। नहीं, आज सोनू मुझे नहीं मिला है कहीं पर, आज मैं छिप करके गया था एकदम। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन 101 आपकी स्क्रीन पर। सभी रेडी हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इन ब्रिक मेसनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स इन नोन एज, इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डबल फ्लेमिश बॉन्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डबल फ्लेमिश बॉन्ड और सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड क्यों नहीं है, कारण समझिए। इसका आंसर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर जो लगाए जा रहे हैं ईच कोर्स में, हर कोर्स में, जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक कोर्स है तो उसमें एक हेडर होगा, एक स्ट्रेचर होगा, एक हेडर होगा, एक स्ट्रेचर होगा, एक हेडर, एक स्ट्रेचर, इस तरह से है ना। तो ये जब सिस्टम होता है, ये फ्लेमिश बॉन्ड होता है डबल फ्लेमिश में। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में आपका बैक साइड से और फेस साइड से, बैक और फेस दोनों तरफ से आपका फ्लेमिश बॉन्ड होता है, जबकि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड एक तरफ से इंग्लिश बॉन्ड होता है, एक तरफ से फ्लेमिश होता है, समझ गए। इसलिए आंसर इसका क्या होगा, डबल फ्लेमिश बॉन्ड होगा। आगे चल करके इन बॉन्ड्स के ऊपर और भी क्वेश्चंस करने वाले, तो वहां और बेटर वे में समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हैं तो मैं बॉन्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किसकी क्या खास बात होती है। अगर आप चाहते हैं तो मैं फटाफट से एक्सप्लेन भी कर देता हूं, तो बताइए फटाफट क्या मुझे बॉन्ड्स फिर से एक्सप्लेन करने हैं या क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलना है, मुझे कमेंट करके बताइए, वही कर लेंगे जो बताओगे आप, बताइए। जनता क्या चाहती है, चलिए तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं आपको बता देता हूं बॉन्ड्स के बारे में। कल हमने स्टोन्स वगैरह के बारे में देखा था कि स्टोन मेसनरी जो होती है उसमें कितने टाइप के बॉन्ड वगैरह होते हैं। अब बॉन्ड वगैरह के बारे में थोड़ा सा आप ब्रिक मेसनरी के बारे में बता देता हूँ आपको। देखो ब्रिक मेसनरी जब बनती है, कल स्टोन मेसनरी की बात हुई थी, ब्रिक मेसनरी जो होती है उसमें जो मेजर जो बॉन्ड होते हैं जो हमारे काम के होते हैं और जो कॉमनली जो बॉन्ड यूज़ में लिए जाते हैं वो होते हैं आपके स्ट्रेचर बॉन्ड आपके होता है, एक होता है आपके स्ट्रेचर के बाद हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है और जो कि जनरली यूज में लिए जाते हैं। इनके अलावा और भी बॉन्ड होते हैं जैसे कि फेसिंग बॉन्ड है, डच बॉन्ड है, इंग्लिश है, ब्रिक ऑन एज है, रैकिंग है, जिगजैग है, गार्डन वॉल बॉन्ड है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड कब कहते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड का मतलब क्या होता है। स्ट्रेचर बॉन्ड का मतलब यह है कि जो आपको सामने से देखने पर वॉल में अगर आपको स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है तो इसे स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं। इसमें स्ट्रेचर जब रखा जाता है तो ये देखा जाता है कि स्ट्रेचर रखने से, स्ट्रेचर को आप किस हिसाब से रख रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना ब्रिक को उसकी लंबाई के हिसाब से रखा जाता है, ब्रिक लेड इनटू द लेंथ, यानी कि ये जो लाइन लिखी हुई है यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर पूछा जाए ब्रिक लेड इनटू परपेंडिकुलर टू द लेंथ, यानी कि वो हेडर का क्वेश्चन बन गया, वो हेडर में रखा जाता है, ठीक है, हेडर बॉन्ड में। और जो साइज होती है जो आपको देखने को मिलता है वो 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर वाला फेस आपको देखने को मिलता है ब्रिक का, यानी कि हेडर देखने, स्ट्रेचर देखने को मिलता है, स्ट्रेचर देखने को मिलेगा। मिनिमम विड्थ जो होगी वॉल की वो होगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। पार्टीशन वॉल जब बनाई जाती है तो पार्टीशन वॉल में स्ट्रेचर बॉन्ड जो है वो यूज किया जाता है। इसके अलावा
हेडर जो बॉन्ड होता है, हेडर बॉन्ड में ब्रिक जो रखी जाती है, ब्रिक परपेंडिकुलर टू द लेंथ रखी जाती है। ये एग्जाम में जैसा मैं बोल रहा था ये पूछे गए हैं ये दोनों के दोनों सवाल। और जो फेस आपको दिखाई देता है, फेस ऑफ वॉल जो दिखाई दे रहा होता है, उसमें जो आपको दिखाई देता है वो हेडर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हेडर। ये कहाँ यूज में लिया जाता है? जब आपके मिनिमम विड्थ जो ऑफ वॉल क्या हो, 19 सेंटीमीटर हो, यानी कि एक ब्रिक के बराबर आपके क्या हो, मिनिमम थिकनेस हो, तब ये काम में लिया जाता है। ठीक है, जब ये काम में लिया जाता है तब एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आपके जब स्टार्ट किया जाता है कोर्स को, तो स्टार्टिंग में आपके 3x4 बैट जो है वो काम में लिया जाता है। इसके साथ में इंग्लिश बॉन्ड की अगर बात करते हो, इंग्लिश बॉन्ड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इंग्लिश बॉन्ड में हेडर और स्ट्रेचर अल्टरनेट कोर्सेज में होते हैं। अल्टरनेट कोर्सेज का मतलब ये होता है कि पहला कोर्स जो था उसमें तो आपके स्ट्रेचर था, दूसरे कोर्स में क्या है, दूसरे कोर्स में आपके हेडर है, फिर वापस से स्ट्रेचर होगा और फिर ऊपर की तरफ क्या होंगे, हेडर होंगे। ये प्रोसेस अपनाया जाता है इंग्लिश में। लेकिन यहाँ की खास बात क्या होती है कि जब यहाँ पर जब पहला कोर्स रखा जाता है, फर्स्ट कोर्स जब होता है जहाँ पर आपके स्ट्रेचर वगैरह जो रखे जाते हैं, जब भी दूसरा कोर्स स्टार्ट किया जाता है हेडर का, तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट हेडर को छोड़ करके सेकेंड नंबर पर आपको क्या होता है, क्यून क्लोजर जो है उस क्यून क्लोजर को रखा जाता है। क्यून क्लोजर काम में आता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्यून क्लोजर जो हेडर कोर्स में काम में लिया जाता है फर्स्ट हेडर को छोड़ने के बाद में। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, थिकनेस ज्यादा रखी जाती है, तो उस केस में क्या हर्टिंग भी यूज में ली जाती है, गैप होता है, और उस गैप में हेडर जो बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड यूज में लिया जाता है। ये भी ध्यान रखना, जब बहुत ज्यादा लार्ज थिकनेस हो जाती है तब। ठीक है, चलिए एक होता है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड जो है, फ्लेमिश बॉन्ड स्ट्रांग तो नहीं है उससे, लेकिन इसका अपियरेंस बहुत अच्छा होता है, देखने में बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश बॉन्ड से भी अच्छा होता है ये, लेकिन स्ट्रेंथ में थोड़ा वीक होता है अगर कंपेयर करें तो। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर के जो कोर्स हैं, एक कोर्स में अल्टरनेट और स्ट्रेचर जो यूज वो है यूज में लिया जाते हैं सिंगल आपके कोर्स में। यानी कि अगर आपने एक कोर्स लिया है सिंगल कोर्स है, तो इस सिंगल कोर्स में स्ट्रेचर है, हेडर है, स्ट्रेचर है, हेडर है, इस तरह से चलेगा आपका। ठीक है, वहां पर अल्टरनेट कोर्सेज थे, यहाँ की ईच कोर्स में, एवरी कोर्स में अल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर है। अब यहाँ पर क्या है, वहां पर आपके क्या काम में ले रहे थे, क्यून क्लोजर, जबकि यहाँ पे क्या है, ब्रिक बैट काम में लिया जाता है। फ्लेमिश बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, सिंगल फ्लेमिश, डबल फ्लेमिश। सिंगल फ्लेमिश में क्या होता है, एक तरफ फ्लेमिश बॉन्ड होता है, दूसरी तरफ आपके इंग्लिश बॉन्ड होता है। मिनिमम थिकनेस आपके 1.5 ब्रिक चाहिए होती है, जबकि डबल फ्लेमिश बॉन्ड में आपके बैक और फेस दोनों तरफ फ्लेमिश होता है, कम से कम एक ब्रिक के बराबर आपकी थिकनेस होनी चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम होता है अगर आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था ब्रिक मेसनरी से रिलेटेड, इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से फिर हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, लुकिंग किसकी अच्छी होती है, लुकिंग उसकी अच्छी होती है जो कि आपने स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ के साथ हम जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, स्ट्रेंथ को कम कर लिया है, यानी कि फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल। स्ट्रेचर बॉन्ड कब काम में लिया जाएगा, जब आप पार्टीशन वॉल बना रहे हो, जब आपके हाफ ब्रिक वॉल के बराबर थिकनेस हो, या फिर आप ये कहें कि आपकी जो थिकनेस है वो 90 mm तक हो तब, या 9 सेंटीमीटर हो। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्टेड शुड बी, जो स्टोन मेसनरी में जो स्टोन रखे जाते हैं, जब उनको ब्रिक मेसनरी जैसे करते हैं वैसे स्टोन मेसनरी होती है, तो स्टोन मेसनरी में स्टोन को इस तरह से रखा जाता है जो उनके बेड हैं उन बेड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो लोड लगना चाहिए, प्रेशर लगना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, स्टोन मेसनरी वगैरह में जो बेडिंग वगैरह का केस बनता है, बेड वगैरह रखे जाते हैं और उनका ये ध्यान रखा जाता है कि जो बेड वगैरह बनेंगे वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स या प्रेशर जो है वो होने चाहिए। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि आपको जो डायरेक्शन वगैरह है वो डायरेक्शन कहाँ कहाँ होनी चाहिए किस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना कि किस तरह से प्रेशर एक्ट हो रहा होगा। जैसे मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, केस है इसमें अलग अलग, केस नंबर वन मैं पूछता हूँ, अगर मेसनरी वॉल है तो, मैसनरी वॉल है, मैसनरी वॉल में इसकी जो बेड है वो बेड कहां पर होगा, नेचुरल बेड की पोजीशन कहां होगी, नेचुरल बेड कहां होगा, तो आप कहेंगे कि मैसनरी वॉल में नेचुरल बेड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है,
क्यों होता है हॉरिजॉन्टल? क्योंकि अगर आपने स्टोन, मान लीजिए ये स्टोन है, इसके ऊपर लोडिंग कंडीशन कहाँ से आएगी? ऊपर की तरफ से आएगी, यहाँ से ऊपर की तरफ से आने वाली वर्टिकल डायरेक्शन में, और बेड आपका हॉरिजॉन्टल है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना, ऐसे। देखो रंजन चौरसिया जी कह रहे हैं नीचे, कैसे कैसे तो जवाब देते हो तुम भाई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन, इस तरह से जवाब देना था, ऊपर नीचे थोड़ी बोलना था। केस नंबर टू, इंजीनियरों की तरह जवाब दो। अगर आर्च का क्वेश्चन हो, आर्च मेसनरी का, ये मैंने ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करवाया है, तो उससे तो उसका तो रिवीजन हो रहा है जिसने वीडियो देखे। तो इसमें होता है रेडियल डायरेक्शन में, केस नंबर थ्री, कॉर्निस अगर है तो कॉर्निस में लोडिंग कंडीशन हॉरिजॉन्टल होती है तो बेड हो जाएगा वर्टिकल। कल परसों की बात बताता हूँ, बिहार से, बिहार वाले ज़्यादा परेशान करते हैं मेरे को। बिहार से कॉल आता है कि सर पीडीएफ चाहिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और मैराथन क्लास मैंने आपकी देखी है, बहुत शानदार पढ़ाया आपने, मुझे पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है वैसे पीडीएफ ले लो फिर, आप वेबसाइट पर अवेलेबल है। नहीं सर हमारे पास पैसा नहीं है और हम गरीब हैं और ये है वो है, आप हमें इतने पर्टिकुलर अमाउंट में दे दीजिए ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैंने कहा गरीब होगा बेचारा, तो मैंने कहा उसको चाहिए, पढ़ना चाहता है, तो मैंने उसको दे दी भाई साहब पीडीएफ। ठीक है, अब होता क्या है कि जो पीडीएफ दी उसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की पीडीएफ देना मैं भूल गया, क्योंकि बल्क में मैंने एक साथ सेंड की थी। तो अब भाई साहब उधर से रिप्लाई, अब क्योंकि अब आपको भी पता है कि जो फ़ोन वगैरह है उस पर रिप्लाई थोड़ा लेट ही मिलता है अपनी तरफ से, तो उधर से फिर फ़ोन ऑन वो उसकी उस तरफ से बच्चे के मैसेज वैसेज आना स्टार्ट हुए, तो इधर से रिप्लाई नहीं मिला। उसने सोचा भाई साहब पैसे तो खा गए ये सिविल बॉडी वाले, पैसे खा गए, अब तो पीडीएफ भी नहीं मिली और पैसे भी ले गए। तो अगले पहले, हाँ सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया, उसने पेमेंट कर दिया था मॉर्निंग में ही, ठीक है, और फिर फ़ोन चेक किया नहीं दोपहर तक, तो उसने सोचा कि पैसे खा गए सिविल बॉडी वाले, तो वैसे उसने कमेंट करना स्टार्ट कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तो पैसे ही सेंड नहीं करता और ये वो बहुत सारी चीज़ें। बाद में फिर मैंने फ़ोन देखा, मैं चलो सेंड कर देते हैं, उनको सेंड करने लगे तो एस्टिमेशन की भूल गया। फिर शाम को फिर से मैसेज आना स्टार्ट, बोले तुमने, तुम्हारे जो ई बुक है, तुम्हारा जो मटेरियल है पूरा का पूरा मेड इजी की हैंडबुक में अवेलेबल है ऑलरेडी, और तुमने किया क्या है कॉपी पेस्ट कर रखा है। एक चीज़ थी जो की थी एस्टिमेशन की पीडीएफ, वही एक अच्छी थी, वही एक अलग थी, और वही हमको नहीं भेजी है तुम लोगों ने, और बाकी सब कुछ मेड इजी में है। तो मैंने कहा यार ये तो ज़बरदस्त भेजी थी होगी, मैंने कहा यार। फिर मैंने कॉल कर दिया भाई साहब, कॉल करके मैंने बोला, मैंने कहा आप एक काम करो, मैंने कहा मेड इजी की हैंडबुक है उसको स्कैन करो और मेरी जो ई बुक है दोनों को पैरेलल में करके स्कैन करके मुझे भेजो, अगर कॉपी पेस्ट है दोनों तब तो आपको मिलने वाली है ई बुक एस्टिमेट्स की, वरना कुछ नहीं मिलेगा, अब निकल लो यहाँ से। इतने एक तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से और बोल रहे हैं कि भाई साहब आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है मेड इजी की हैंडबुक में, हैंडबुक मेड इजी ईएस गेट लेवल की, उसमें जेईई लेवल की चीज़ें ही नहीं है, और बोलते हैं कि आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, खतरनाक, रात का समय वैसे था। क्वेश्चन नंबर 104, तो ऐसे ध्यान से, गुरु जी को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, ध्यान रखा करो, है ना। बिहार वालों से बहुत डरता हूँ इसीलिए मैं, इसीलिए तो ये विश्वास जो है ना स्टूडेंट का भला करना छोड़ दिया मैंने इसी चक्कर में, क्योंकि भला करने जाओ तो खुद का ही बुरा हो रहा है, इसलिए मैंने भला करना छोड़ दिया। मैंने वरना पहले मैं टेस्ट सीरीज पीडीएफ फ्री में दे देता किसी को बोला, अब मैं देना बंद कर दिया सबको, क्योंकि भलाई का जमाना ही नहीं है, विश्वास ही नहीं कर सकते आप किसी के ऊपर। किसी को आप कम पैसे में, इतने पहले से कम पैसे और कम पैसे में दे रहे हो आप, और वो आपको सुना के जा रहा है भजन, तो मैंने कहा क्यों सुना किसी का। बिल्कुल हेडर बिल्कुल सही है, अभी भी मैंने कहा था कि हर्टिंग जो बनाई जाती है जब थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है वॉल्स की, तो आपके क्या होता है हर्टिंग जो है उसमें हेडर प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, एक क्यून क्लोजर इज, जो क्यून क्लोजर जो प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बारे में पूछा था, एक क्यून क्लोजर इज, तो क्यून क्लोजर में क्या खास बात है। क्यून क्लोजर की खास बात ये होती है कि उसकी लेंथ तो उतनी ही होती है, विड्थ को हाफ कर दिया जाता है ना, विड्थ को हाफ कर दिया जाता है, तो विड्थ को हाफ कर दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए कि भाई जब लेंथ सेम होती, डेप्थ सेम होती, विड्थ जो होती है विड्थ हो जाती है हाफ, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं, अब देखिए ध्यान से, यहां से क्वेश्चन बन रखे हैं, काफी क्वेश्चन बने हैं। पहले देखिए ये जो इमेज है ये क्या बता रही है, ये ट्राइब्स ऑफ
टाइप्स ऑफ ब्रिक को बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। जैसा ओरिएंटेशन होता है ब्रिक का, उसके हिसाब से उसका नाम बदल जाता है। जैसे कि पहली ब्रिक को देखिए आप, पहली ब्रिक को देखने से आपको जो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रेचर। अब आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेडर। अगर ब्रिक को इस तरह से रखा जाए, एज के हिसाब से इस तरह से रखा जाए, और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे अगर कहना चाहें तो इसे कहेंगे सेलर। और अगर आपने इसको इस तरह से रख दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है, इसको कहेंगे आपके सोल्जर। और अगर आपने इस तरह से ब्रिक को रख दिया, उसे कहेंगे रॉ लॉक। और इस तरह से रख दिया, तो उसे कहेंगे शिनर। तो ये इनके नाम है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, टेंशन मत लो। फोन में घुसना नहीं है, फोन को तोड़ना नहीं है, ये ओरिएंटेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब ठीक है। ओके, तो ये इनके नाम होते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है कि ये ओरिएंटेशन के बेसिस पर हुआ, लेकिन सिर्फ ओरिएंटेशन नहीं होता है। अगर ब्रिक को कट कर दिया जाए, तो उनके बेसिस पर उसके नाम बदल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अगर नाम बदलने हैं, तो क्विन क्लोजर कब कहते हैं? क्विन क्लोजर तब कहा जाता है, क्विन क्लोजर जब आप उसकी विड्थ को हाफ कर दें, यानी कि ये पहला वाला केस, हैचिंग जो किया हुआ है वो बचा हुआ पार्ट है। क्विन क्लोजर जो क्वार्टर होता है, उसमें क्या किया जाता है कि क्विन क्लोजर बनाने के बाद में, हाफ बनाने के बाद में बीच में से कट कर दिया जाता है यहां से। ठीक है, यानी 1/4 पार्ट जो होता है, 1/4 पार्ट वही बचता है सिर्फ। ठीक है, अब आती है बात किसकी? किंग क्लोजर की। तो किंग क्लोजर में क्या होता है कि यहां से इस तरह का एक पोर्शन कट कर दिया जाता है, इस तरह से क्राउन की तरह, तो इसको बोलते हैं क्या? किंग क्लोजर। बिवेल्ड में क्या होता है कि यहां जो आपकी जो विड्थ है, यहां से और इस कॉर्नर से कट कर दिया जाता है ये पूरा का पूरा हिस्सा, तो इसे कहते हैं बिवेल्ड क्लोजर। समझ गए? तो ये सभी इसके नाम हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कटिंग के बेसिस पर भी, ओरिएंटेशन के बेसिस पर भी, दोनों के बेसिस पर इसके नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, 106। चलिए, ये जो पीडीएफ है, क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं, इसकी जो पीडीएफ है, ये आपको जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन में मिल जाएगी। स्टडी विद सिविल बॉडी का जो एप्लीकेशन है वहां मिल जाएगी फ्री में। ठीक है, और कपिल कपिल जी, जीके के जो 2021 में पेपर हुए हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं, जैसे ही हमारा ये जो इकोनॉमी वाला जो पार्ट चल रहा है खत्म हो जाएगा, वैसे ही 4-5 दिन बाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 106। तो आप कहेंगे वन एंड हाफ ब्रिक। अभी अभी हमने देखा है कि फ्लेमिश बॉन्ड होता है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, वन एंड हाफ ब्रिक जो है इतनी मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए, डबल फ्लेमिश में सिंगल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन ब्रिक लाइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग द मोर्टार फॉर फॉर्मिंग जॉइंट्स। तो मोर्टार को स्प्रेड करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए जो काम में चाहिए, वो चाहिए कन्नी। कन्नी को क्या बोलते हैं? ट्रॉवल। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108, एक्सपांशन जॉइंट इन मेसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, एक्सपांशन जॉइंट इन मेसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 108। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 108 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 की बात कर रहे हैं, तो एक कोड है IS 9414। इस कोड के हिसाब से ब्रिक मेसनरी या मेसनरी जो वॉल वगैरह बनाई जाती है, इसमें 30 मीटर जो है, 30 मीटर वैल्यू दी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बट 40 मीटर किसके लिए होता है? जो कि बुक में दिया हुआ 40 मीटर होता है आरसीसी के लिए, आरसीसी वगैरह के जो स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं उनमें दिया हुआ है 40 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर, इस तरह से डेटा दिया हुआ है। तो अभी फिलहाल मेसनरी की बात हो रही है, यहाँ पर कॉन्क्रीट वगैरह की स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, मेसनरी के हिसाब से 30 मीटर रखा जाएगा डेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेसनरी के हिसाब से। और अगर IS 456 के हिसाब से हम बात करते हैं, तो IS 456 में क्या होता है? वहां पर आरसीसी के लिए दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 109, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मेसनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड्स इज। तो हैवी लोड के लिए आप कौन सा बॉन्ड यूज में लेंगे?
वो बॉन्ड यूज में लिया जाएगा जिसकी स्ट्रेंथ काफी हाई होगी, यानी कि इंग्लिश बॉन्ड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। ए मोर्टार जॉइंट इन मेसनरी विच इज नॉर्मल टू द फेस वॉल इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 110। तो आप कहेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉर्मल टू द फेस वॉल। फेस वॉल जो है उसके नॉर्मल जो जॉइंट होता है उसे कहा जाता है क्रॉस जॉइंट। देखिए जनरली अगर हम बात करते हैं तो एक आपने सुना होगा बेड जॉइंट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बेड जॉइंट का मतलब क्या होता है, बेड जॉइंट होता है हॉरिजॉन्टल, बेड जॉइंट होता है हॉरिजॉन्टल। एक कोर्स से दूसरे कोर्स के बीच में जो आप बना रहे हैं जॉइंट बनाएंगे आप, है ना, ब्रिक्स के बीच में, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोर्टार के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहेंगे आप बेड जॉइंट, जो बेड्स के बीच में बनता है। एक होता है क्रॉस जॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये होता है नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वॉल, जो कि क्रॉस करते हुए वॉल्स के बीच में बनता है। एक बनता है वॉल जॉइंट, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में, वॉल जॉइंट। ये वॉल जॉइंट क्या होता है, वॉल जॉइंट में क्या होता है कि आपके पैरेलल टू द वॉल बनेगा ये, क्या ये वॉल बना रखी है, इसी के पैरेलल में दूसरी वॉल अगर बनाई है आपने, उनके बीच में साइड में अगर कोई चीज आप लगाना चाह रहे हैं ना, उसी के फेस पर लगाना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे कि पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल। ठीक है, ये तीन अलग अलग कंडीशंस डेवलप हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 111, 111। द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, स्लेंडरनेस रेशियो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसमें, मेसनरी वॉल्स में, मेसनरी वॉल्स की बात की जा रही है। तो मेसनरी वॉल में एक्चुअल में वैल्यू जो होती है वो होती है 27, अगर आपके क्या है ओपीसी अगर दिया हुआ है, तो ओपीसी दिया हुआ है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है या पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट है, तो उस केस में ठीक है। लेकिन अगर आपके यहीं लाइम दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है 20, कितनी हो जाती है 20 हो जाती है। दो केस बनते हैं, ऑप्शन में क्या है 27 नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 जो है उसकी तरफ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी मान लेंगे। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आरसीसी का होता है ना, आरसीसी का भी तो हमने क्वेश्चन किया है, उसमें 30 होती है स्लेंडरनेस रेशियो, अगर ये वॉल किसकी होती है, आरसीसी की वॉल होती, तो उसमें आंसर क्या हो जाता, 30 हो जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। तो 30 किस में होता है, आरसीसी स्ट्रक्चर्स में, 27 होता है ब्रिक मेसनरी में, पोर्टलैंड सीमेंट है, लाइम मोर्टार अगर लिया है आपने तो 20 हो जाता है। तो तीनों केस बनते हैं। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। द प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड सैंड इन मोर्टार, नॉर्मली लाइम और सैंड के बारे में बात की जा रही है, नॉर्मली यूज्ड इन ब्रिक मेसनरी, ब्रिक मेसनरी में कितना होता है बताइए। तो लाइम और सैंड, जैसे कि हम सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट और सैंड का जो जनरली देखा जाता है ना, जनरल वे में जो काम में लिया जा रहा है, यहाँ पे काम नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी आप जनरली एक 1:3 लेकर के चलते, जबकि लाइम में 1:2 चलता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये जनरल डेटा है, कुछ भी फिक्स नहीं दिया हुआ है कि पर्टिकुलर इस वर्क के लिए हम काम में ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 113। नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट इन स्ट्रेचर कोर्स इज एक्स टाइम्स द नंबर ऑफ जॉइंट इन द हेडर कोर्स वेयर एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 113। तो हेडर जो होगा, हेडर, हेडर में जो जॉइंट होंगे वो क्या होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे जितने आपके स्ट्रक्चर में हैं, क्योंकि साइज का भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहां पर एक भी नहीं था जबकि यहां पर एक आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो यानी आप ये कह सकते हो कि यहां पर एक्स टाइम किसके लिए पूछा गया, स्ट्रेचर के लिए, यानी ये हो जाएगा आधा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114। एज कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी, एज कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी, क्वेश्चन नंबर 114। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 114 का, क्वेश्चन नंबर 114, 114 करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए लेस, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 115 आपकी स्क्रीन पर। एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर मोर कॉम्पैक्ट कॉस्टली और नन ऑफ द अबो, तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है क्या, नहीं, कॉम्पैक्ट होता है, नहीं, कॉस्टली होता है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबो, क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116।
सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में बताइए। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में एक तरफ फ्लेमिश बॉन्ड होता है और दूसरी तरफ इंग्लिश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड ऑन फेसिंग एंड इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग इन ईच कोर्स। यानी बैकिंग मतलब ये होता है बैक साइड, और फेसिंग का मतलब होता है फ्रंट साइड। क्वेश्चन नंबर 117, द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन सैंडी सोयल शुड नॉट एक्सीड। जो सैंडी सोयल होती है उसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है वो कितना होता है? तो सैंडी सोयल में डिफरेंशियल सेटलमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 25 mm, 25 mm। भाई सोयल के कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं बीच में, गुप्ता जी ने अब रखे हैं तो अब क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल द मोस्ट सुटेबल मेथड टू इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देखिए अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो ब्लैक कॉटन सॉइल में अगर आपको इंक्रीज करनी है बियरिंग कैपेसिटी तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से उस सॉइल को हटा करके नई सॉइल लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। बाकी उस सॉइल में ट्रीटमेंट करने से कोई काम नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रिप्लेस द पुअर सॉइल, ठीक है। ड्रेन की लीजिए, कॉम्पैक्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, है ना, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल में स्वेलिंग की प्रॉपर्टी होती है, श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसको पानी मिला वो अपना रूप बदल देगा, ठीक है, गिरगिटी तरह रंग बदल दिया जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल सेटलमेंट क्ले में 40 बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 119, द टाइप ऑफ फुटिंग विच इज यूज टू ट्रांसमिट हैवी लोड। हैवी लोड जो है स्टील कॉलम में से हैवी लोड ट्रांसमिट करने हैं तो उसके लिए जो फाउंडेशन लिया जाता है उसे कहा जाता है ग्रिलेज फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 119, यूनिवर्सिटी में जरूर इसका क्वेश्चन किया होगा, डिजाइन का क्वेश्चन आता है गिरलेज फाउंडेशन का। तो गिरलेज फाउंडेशन जो है वो यूज किया जाता है हैवी अगर लोड आ रहे हो उस केस में, और गिरलेज फाउंडेशन में आइस सेक्शन लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन क्ले सॉइल शुड बी लिमिटेड टू। तो मैक्सिमम जो टोटल सेटलमेंट होता है आइसोलेटेड फाउंडेशन में, आइसोलेटेड फाउंडेशन है और क्ले है तो कितना होता है? तो आइसोलेटेड फाउंडेशन क्ले है इसमें ये वैल्यू होती है 65 mm। कितनी होती है? 65 mm, ये जो होती है ये वैल्यू होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सवाल ये आता है कि अगर ये इसकी वैल्यू 65 होती है 40 किस में होती है? ये 40 किसके लिए होती है? लिखना चाहो तो इसको लिख लो, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड। ये 40 आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड का केस होता तो 40 mm हो जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, द टाइप ऑफ पाइल विच इज ड्रिवन एट एन इंक्लिनेशन टू रजिस्ट द इंक्लाइंड फोर्स इज नोन एज। जो इंक्लाइंड फोर्स जो रजिस्ट करती है, इंक्लाइंड पाइल जो प्रोवाइड की जाती है, वो पाइल कौन सी होती है? उसे कहा जाता है कौन सी पाइल? बटर पाइल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122, 122, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल। क्लेई सॉइल अगर है, ये याद करने वाला है, थोड़ा सा डेटा याद रखना, ये क्वेश्चन जेईएन में भी पूछा हुआ है कि जो मिनिमम डेप्थ होती है फाउंडेशन की क्ले सॉइल में वो होती है 0.9 मीटर। कितनी होती है? 0.9 मीटर होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यही सवाल क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता, पूछा जाता कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होती है सैंडी सॉइल में, सैंड में कितनी होती है, तो सैंड में भी लगभग लगभग इतनी होती है, 0.8 से लेकर के 1 मीटर तक, ये थोड़ा वेरी करता है अगर सैंडी सॉइल होता तो। और रॉक होता तो, अगर रॉकी सॉइल होता तो, अगर रॉक है वहां पर तो रॉक होने से क्या होता, अगर वहां पर पत्थर होते तो वैल्यू की आवश्यकता कम होती आपको, तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 मीटर या इससे भी क्या हो जाता है, कम रखी जाती है वैल्यू। ये तो पता है ना कि जितनी जितना अच्छा बेस होगा तो उतनी ही आपको क्या फाउंडेशन में परेशानी कम आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में, क्वेश्चन 123, द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल है, राफ्ट फाउंडेशन है, टोटल सेटलमेंट कितना होगा? तो क्ले सॉइल में, राफ्ट फाउंडेशन में 65 से लेकर के 100 mm तक का क्या होता है? सेटलमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सॉइल के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, टेंशन मत लीजिए, अभी बीएमसी भी आएगा लाइन में, ठीक है। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉक्ड सॉइल कैन बी इंप्रूव्ड बाय। वाटर लॉक्ड एरिया है, वाटर लॉगिंग का अगर केस है तो उसको इंप्रूव करना है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि वहां से वाटर को हटाया जाए, ठीक है। ड्रेनिंग, ड्रेनेज प्रोवाइड करना होगा आपको, है ना। तो ड्रेनेज प्रोवाइड करेंगे तो आप कहेंगे ड्रेनिंग द सॉइल, तो ड्रेन किया जाएगा सॉइल को, उसके बाद में इसका क्या किया जाएगा? ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से बियरिंग कैपेसिटी को आप क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 125, द टाइप ऑफ फ्लोरिंग सुटेबल फॉर यूज इन चर्चेज
चर्च वगैरह, थिएटर, पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह जो होती हैं, इनमें क्या होता है कि आपको ऐसा फर्श या ऐसा फ्लोर प्रोवाइड करना होता है जिसमें क्या होती है आवाज़ वगैरह ना हो, है ना, आवाज़ वगैरह नहीं हो, नॉइस लेस हो। तो ऐसे केस में किस तरह की फ्लोरिंग प्रोवाइड की जाती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 फ्लोरिंग का क्वेश्चन है। फ्लोरिंग पढ़ाया तो था, ये रहा फ्लोरिंग, याद हो तो फ्लोरिंग के बारे में बताया था कि अलग अलग टाइप की फ्लोरिंग होती है, जैसे सीमेंट लाइम कंक्रीट फ्लोरिंग हो सकती है, ब्रिक्स की हो सकती है, फ्लैग स्टोन की होती है, मार्बल की होती है, ग्लास की होती है, प्लास्टिक की होती है, कॉर्क की होती है, रबड़ की होती है ना, अलग अलग होती है। इनमें एक दो चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि एक तो ये होती है ब्रिक फ्लोरिंग जो होती है कहाँ यूज़ में ली जाती है, गोडाउन वगैरह में काम में ली जाती है। आपसे पूछ लिया जाता है मार्बल फ्लोरिंग जो है कहाँ काम में ली जाती है, तो मार्बल फ्लोरिंग वहाँ काम में ली जाती है जहाँ आपको बहुत अच्छा आपको अपीयरेंस चाहिए, है ना, जैसे कि कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, किचन हो गया, बाथरूम वगैरह हो गया। स्टेन प्रूफ अगर आपको चाहिए, इजीली क्लीनेबल चाहिए, तो मार्बल आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ग्लास फ्लोरिंग कहाँ काम में ली जाती है, तो ग्लास फ्लोरिंग इंडिया में छोड़ करके कहीं भी काम में ले सकते हो, क्योंकि इंडिया में काम में ले लिया तो ग्लास टूटेगा और आप नीचे पहुँच जाएंगे, ठीक है। मजाक वाली बात है, ग्लास वाली फ्लोरिंग वहाँ चाहिए जहाँ आपको ब्यूटीफुल अपेयरेंस चाहिए, नेचुरल व्यूज़ वगैरह हो, है ना। सेरेमिक वगैरह की भी फ्लोरिंग होती है, लेकिन अभी बात कर रहे हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे, एक होती है प्लास्टिक फ्लोरिंग। प्लास्टिक फ्लोरिंग कहाँ काम में ली जाती है, प्लास्टिक फ्लोरिंग में क्या होता है, प्लास्टिक की टाइल्स होती हैं, इनको हम काम में ले सकते हैं जहाँ आपके जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह होते हैं, इंडोर स्टेडियम वगैरह होते हैं, वहाँ पर काम में लिया जा सकता है इनको, ठीक है। प्लास्टिक की टाइल होती है, पीवीसी की बनी हुई होती है ये। इसके अलावा आपके मड एंड मरम फ्लोरिंग भी होती है, और जो काम की है वो है वुड फ्लोरिंग। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड फ्लोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड फ्लोरिंग जो होती है ये मोस्ट सूटेबल होती है आपके डांस फ्लोर्स के लिए, ऑडिटोरियम्स वगैरह के लिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाता है, वुड फ्लोरिंग केवल वहीं काम में ली जा सकती है जहां पर आपके डैम्प प्रूफ कोर्स जो है आपने प्रोवाइड किया हो, जो आपकी नेसेसरी फ्लोरिंग है उसके ऊपर। मतलब पहले एक फ्लोर होगा जिसमें डैम्प प्रूफ प्रोवाइड किया, उसके ऊपर वुडन फ्लोरिंग आप प्रोवाइड करेंगे। कॉर्क जो होती है, कॉर्क फ्लोरिंग ये ओक ट्री का जो कॉर्क होता है उससे बनाई जाती है ना, कॉर्क जो होता है ओक ट्री का कॉर्क होता है, और ये जो प्रोवाइड की जाती है लाइब्रेरीज वगैरह में, ठीक है, थिएटर्स वगैरह में प्रोवाइड किया जाती है जहाँ पे नॉइस लेस आपको क्या चाहिए, फ्लोर चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए तो इसका कॉर्क आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्क फ्लोरिंग। क्वेश्चन नंबर 126 द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंजिंग लाइन एंड हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ एन आर्च इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 126 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइज। क्या बोलते हैं, राइज बोला जाता है जो आपकी स्प्रिंजिंग लाइन होती है, स्प्रिंजिंग लाइन जो बनाई जाती हैं उन स्प्रिंजिंग लाइन से लेकर के, और ये इनर पॉइंट होता है यहां तक की जो हाइट होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइज। क्या कहते हैं, इसे राइज कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आर्चेज वाला जो टॉपिक है, इसकी टर्मिनोलॉजी जो होती है, उस टर्मिनोलॉजी से काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको क्या है, थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और ये है वो राइज, ठीक है। तो ये आपका राइज है, और ये पूरा का पूरा जो है इसको कहा जाता है स्पान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 आपकी स्क्रीन पर, डेप्थ और हाइट ऑफ द आर्च इज, जो आर्च होता है उस आर्च की डेप्थ जो है वो डेप्थ किसे कहते हैं, आर्च की डेप्थ किसे कहते हैं, डेप्थ ऑफ आर्च। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंट्राडोज एंड एक्स्ट्राडोज जो होता है उसे कहा जाता है डेप्थ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंसेज बिटवीन स्प्रिंजिंग लाइन एंड इंट्राडोज बिल्कुल भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं है इसका, ध्यान रखना। डेप्थ अलग चीज हो जाती है, डेप्थ का अलग से तो कोई डायग्राम मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, बट आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली चीज, इसकी बात की जा रही, ये है डेप्थ, इसको बोल रहे हैं हम डेप्थ, ठीक है, इसको हम डेप्थ बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 128 करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 128
ट्राइंगुलर स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन द एक्स्ट्रा डोज एंड द होरिजोनटल लाइन ड्रॉन थ्रू द क्राउन ऑफ एन आर्च इज नोन एज, वो क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर देखो। अब क्वेश्चन नंबर 128 को मैं बता भी देता हूं, कुछ लोग बोल भी रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है दिमाग में ये चीजें नहीं आती हैं, तो इमेजेस के थ्रू कई बार समझ में आ जाता है, तो इमेज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इमेजेस के थ्रू स्क्यूबैक वगैरह क्या होता है, स्पांड्रिल वगैरह क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्पांड्रिल का मतलब क्या होता है कि जब दो आर्च बनाए जाते हैं ना, तो दोनों आर्चेज के बीच में ये क्या है, ये ट्राइंगुलर टाइप की जो ये जो स्पेस रहता है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है आपके स्पांड्रिल। क्या कहते हैं इसे, स्पांड्रिल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब आपके आर्चेज हो, कंटिन्यूसली बहुत सारे आर्चेज होते हैं तब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। मैंने वैसे वीडियो जो बनाया था कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का, उसमें सब कुछ बताया गया है, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको आप एक बार विजिट कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 129, द लिंटेल्स आर प्रेफर्ड टू आर्चेज बिकॉज, लिंटेल प्रेफर किए जाते हैं, द लिंटेल्स आर प्रेफर्ड टू आर्चेज बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 129, आर्चेज रिक्वायर मोर हेडरूम टू स्पान द ओपनिंग लाइक डोर विंडोज, बिल्कुल सही बात है। आर्चेज रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एबटमेंट, सही बात है। आर्चेज आर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 130, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेज सैंड बॉक्स मेथड यूज फॉर, आर्च जब बनाए जाते हैं, आर्च का जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो वहां पर एक मेथड काम में लिया जाता है जिसे कहते हैं सैंड बॉक्स मेथड। ये क्यों काम में लेते हैं, ये काम में लिया जाता है सेंटरिंग के लिए। तो स्ट्राइकिंग ऑफ सेंटर यानी सेंटरिंग जब करनी हो तो उसके लिए एक मेथड काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, द टाइप ऑफ आर्च जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर अ वुडन लिंटेल और ओवर अ फ्लैट आर्च फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग द लोड ऑफ द वॉल अबोव इज, क्वेश्चन नंबर 131। तो वुडन लिंटेल या फ्लैट लिंटेल के ऊपर जो आर्च आप बना रहे हो उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे रिवेलिंग आर्च कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132, द टाइप ऑफ जॉइंट कॉमनली यूज एट द जंक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल राफ्टर एंड टाई बीम इन टिम्बर ट्रस, 132, द टाइप ऑफ जॉइंट कॉमनली यूज एट द जंक्शन ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर एंड टाई बीम इन टिम्बर ट्रस। तो टिम्बर ट्रस में ये जो जॉइंट काम में लिया जाता है इसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑब्लिक मोर्टाइस एंड टेनन जॉइंट कहा जाता है इसे। ये टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, और इस वी वाला इनके जो ट्रस वाला जो डायग्राम है वो मैं इंसर्ट करना भूल गया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 133, द टाइप ऑफ रूफ सूटेबल इन प्लेन वेयर रेनफॉल इज मेड एंड टेम्परेचर इज हाई, क्वेश्चन नंबर 133, 133। तो जहां ऐसी ऐसी जगह जहां पर आपके रेनफॉल जो है, रेनफॉल कम होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो वहां पर कैसी रूफ प्रोवाइड की जाती है, कैसी छत प्रोवाइड करते हैं, वहां पर फ्लैट रूफ प्रोवाइड की जाती है जहां पर बारिश का मौसम कम होता है, कम बारिश हो, ना तो बारिश हो रही हो ज्यादा, ना ही बर्फ गिरती है, तो ऐसे समय पर ऐसी जगह पर फ्लैट रूफ प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 134 की चले, उससे पहले मैं आपको रूफ वगैरह की बात हुई तो रूफ वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दो तीन चीज़ें हैं, एक तो आपको जब रूफ की बात आती है, फ्लैट रूफ के अलावा जब पिच्ड रूफ वगैरह की बात आती है, तो वहाँ पर उनके टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जब रूफ वगैरह बनाई जाती हैं तो इसमें जो ऊपर वाली, जो ऊपर वाली जो लाइन होती है ये, इसे कहा जाता है रिज, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है रिज, ठीक है। और यहाँ पर ये जो होता है जब दो स्लोप ओन के बीच में जो लाइन होती है ये वाली, ये होती है वैली, इसे क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। और बॉटम में जो बनाए जाते हैं ये बॉटम में क्या होता है, इसे ईव्स कहा जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये हिप कहलाता है, ठीक है। और ये जो वाला जो पोर्शन होता है जिसको मैं हैच कर रहा हूँ, ये व्हाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं गेवल बॉल। क्या बोलते हैं, गेवल बॉल बोलते हैं, गेवल बॉल होगी, गेवल दीवार होगी आपकी ये, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये कहलाता है आपका वर्ज, वर्ज बोलते हैं, या सेंटर लाइन ऑफ रिज बोला जाता है, वर्ज बोला जाता है इस लाइन को,
तो ये दो तीन चीज़ें थी जो आपको थोड़ा सा आइडिया देगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा उसमें अगर ये चीज़ें यूज आ रही हैं, ऐसे टर्म्स आ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। अब आ जाइए कि कितने टाइप की रूफ होती है जनरली। बहुत, वैसे तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी है ना। देखो बेजुबान लब ने पकड़ ली बात, एंगल पूछ लेते हैं, हिप एंगल कितना होता है, वेली एंगल कितना होता है ना, तो इस तरह के तो टर्म्स आएंगी। हिप एंगल पूछ लेगा या हिप पूछेगा, वेली पूछेगा, पता तो क्या होते हैं ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए तो आपके जो रूफ होती है, एक तो होती है फ्लैट, जो कि आपने जिन घरों में आप रहते हो जनरली वो क्या होती है, फ्लैट होती हैं। एक होती है लीन, यानी कि एक तरफ जब स्लोप होगा, सिंगल साइड में अगर आपका स्लोप है तो उसे कहते हैं लीन टू रूफ। एक होती है गेबल, गेबल में क्या होता है कि आपने क्या किया, दोनों तरफ आपका क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में आपने स्लोप प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक होते हैं आपके हिप रूफ, हिप रूफ में क्या होता है कि दो डायरेक्शन में आपने स्लोप प्रोवाइड किया है, साथ ही साथ में आपकी ये वाली जो डायरेक्शन थी इधर भी स्लोप प्रोवाइड कर देंगे आप, यानी कि चारों डायरेक्शन में इसका क्या है, स्लोप होता है। एक होता है क्रॉस गेबल्ड, क्रॉस गेबल्ड में क्या होता है कि आपकी जो ये वाली जो आपने इस तरह से अगर रूफ प्रोवाइड की थी, साथ में इसके क्रॉस एक रूफ और प्रोवाइड कर दिए, इसे कहते हैं क्रॉस गेबल्ड। एक होती है आपकी क्रॉस हिप्ड, क्रॉस हिप में क्या होता है, एल टाइप की शेप बन जाती है, क्रॉस हिप हो जाता है, हिप के थ्रू या आगे बढ़ा दिया जाता है इसे। एक होता है गैम्ब्रेल, जो गैम्ब्रेल होती है, गैम्ब्रेल में क्या होता है कि आपका ब्रेक आ जाता है, जो स्लोप है, स्लोप जो प्रोवाइड किया आपने दो डायरेक्शन में, इसमें क्या है, ब्रेक आ जाता है, स्लोप में ब्रेक प्रोवाइड कर दिया जाता है बीच में से, यहां से ब्रेक आ जाता है, ब्रेक करके फिर उसको और तोड़ दिया जाता है, ठीक है। हिप में चार डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। और मेसन रूफ में क्या होता है, मेसन रूफ में क्या होता है कि ऊपर है ना, ऊपर जब इसको बनाया जाता है तो इसमें ब्रेक आ जाता है, इसको चारों तरफ जो है चारों डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, ऊपर से कट कर दिया जाता है ना, ब्रेक आ जाते हैं इसमें भी। तो अलग अलग तरह के रूफ हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो तो बेटर है, क्योंकि आगे चल के जब क्वेश्चंस आएंगे तो बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा एक चीज़ तो रह गई, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, जैसे कि आपसे ना डोरमेर विंडो का क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, कि डोरमेर जो विंडो होती है, डोरमेर विंडो कौन सी होती है। तो जब छत बनाई जाती है ना, रूफ पिच्ड रूफ वगैरह होती है, तो इसमें क्या है, एक विंडो लगाई जाती है जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होती है, तो ये जो विंडो जो है बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, इसे कहते हैं डोरमेर विंडो। एक होती है जो प्रोजेक्टेड नहीं होती है, उसके साथ में चिपकी हुई होती है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, उसी के साथ में, उसी के पैरेलल होती है, इस तरह से बाहर प्रोजेक्टेड नहीं होती है, उसे कहते हैं स्काई लाइट विंडो। ये दोनों एग्जाम में पूछे, स्काई लाइट विंडो भी आया हुआ है और डोरमेर विंडो है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और बाकी की मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने बताई दी हैं, कि रूफ वैली किसे कहते हैं, रूफ रिज किसे कहते हैं, ठीक है। तो बाकी इस पिक्चर को आप देखना, थोड़ा बहुत याद रखना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। पिच्ड एंड स्लोप्ड रूफ सूटेबल फॉर, ये पिच्ड रूफ जो होती है या स्लोपिंग रूफ होते हैं, ये कहाँ काम में लिए जाते हैं, ठीक है बताइए। डोरमेर विंडो में वेंटिलेशन होता है, और स्काई लाइट विंडो में जैसे कि नाम लिखा हो, स्काई लाइट सिर्फ स्काई से लाइट यानी सूर्य की रोशनी के लिए बनाई जाती है सिर्फ। पुरुषोत्तम कुमार कह रहे हैं कि दे दनादन वाला घर है ये, तो ज्यादा पिक्चर मत देखा करो, अक्षय कुमार की तरह हो जाओगे फिर। क्वेश्चन नंबर 134, तो आप कहेंगे प्लेन रीजन्स में, कवरिंग लार्ज एरियाज में, या कोस्टल, तो आप कहेंगे कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज में जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 135, द टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप इन टू डायरेक्शन विद ब्रेक इन द स्लोप ऑन ईच साइड इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 135, करेक्ट आंसर क्या होगा, गैम्ब्रेल होगा करेक्ट आंसर। आपने दो डायरेक्शन में प्रोवाइड किया है और ब्रेक कर दिया है ना ईच साइड में, तो उसे गैम्ब्रेल कहेंगे। भूल गए या याद है, अभी अभी बताया है मैंने, है ना। देखिए दो डायरेक्शन में आपने प्रोवाइड किया, ये रहा, दो डायरेक्शन में प्रोवाइड किया है और आपने क्या कर दिया, ब्रेक आ गया है बीच में। क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 आपकी स्क्रीन पर, मेसन रूफ इज अ रूफ स्लोप इन, मेसन रूफ किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, फोर डायरेक्शन में हो और आपके इसमें क्या हो, ब्रेक हो, है ना, सभी साइड में ब्रेक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, चारों डायरेक्शन में होती है मेसन रूफ और इसमें ब्रेक होता है, और दो डायरेक्शन में ब्रेक हो तो क्या कहेंगे उसे, गैम्ब्रेल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 137, द होरिजोनटल टिम्बर पीस प्रोवाइडेड एट द अपेक्स ऑफ अ रूफ ट्रस विच सपोर्ट द कॉमन राफ्टर, कॉमन राफ्टर को जो सपोर्ट करता है वुडन पीस, उसे क्या कहते हैं, होरिजोनटल टिम्बर पीस होता है। 137, तो उसे कहते हैं रिज बोर्ड, क्या कहते हैं उसे, रिज बोर्ड कहा जाता है, क्या कहते हैं, रिज बोर्ड कहा जाता है। होरिजेंटल टिम्बर पीस प्रोवाइडेड एट द अपेक्स ऑफ रूफ ट्रस,
रूफ ट्रस के अपेक्स में जो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि सपोर्ट करता है किसको, राफ्टर को, कॉमन राफ्टर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, द लोअर एज ऑफ द पिच्ड रूफ फ्रॉम वेयर द रेन वाटर ऑफ द रूफ सरफेस ड्रॉप डाउन इज नोन एज, ये दो बार लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 138। तो अभी मैंने एक शब्द काम में लिया था ईव्स, जो बॉटम में जो ईव्स होते हैं उन ईव्स के थ्रू जो वाटर होता है ना, रेन वाटर होता है, वो वहीं से बाहर निकलता है ना, ड्रॉप आउट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अब मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ, भाग मत जाना, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड रुक जाओ। और लाइक कितने क्या हैं, लाइक की संख्या कितनी है, लाइक की संख्या थोड़ी सी कम है, लाइक की संख्या बढ़ाओ मित्रों। चले आगे कुछ किया जाए, आगे कुछ किया जाए, चलिए आगे। अरे यार बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, बैल नहीं बजाई है, मैं तो भूल ही जाता हूँ कहाँ है। लीजिए बिल्कुल, केदार शर्मा जी ने सही कहा, विनय भाटिया जी ने सही कहा कि जल ग्रहण का मतलब लाइक जो है वो कर दीजिए आप। चलो अब पढ़ाई कर लेते हैं, फालतू में ज़्यादा समय खराब नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 आपकी स्क्रीन पर, हायर पिच ऑफ द रूफ, हायर पिच ऑफ द रूफ, चार ऑप्शन है आपके पास में, इनमें से कौन सा करेक्ट है बताइए। रिजल्ट्स रिजल्ट्स इन द रूफ, रिजल्ट्स इन वीकर रूफ, रिक्वायर मोर कवरिंग मटेरियल, रिक्वायर लेस कवरिंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 139। यहां पे यार स्ट्रोंगर भी लिखना चाहिए था, नालायक ने यहां लिखा ही नहीं है, यहां स्ट्रोंगर रूफ था, स्ट्रोंगर रूफ आएगा, फिर आएगा वीकर रूफ, फिर आएगा मोर कवरिंग, फिर आएगा लेस कवरिंग, ये चार स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 139 का, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है, अगर आपके पिच जो है पिच बहुत ज़्यादा है तो यानी कि इस जो रूफ बन रही वो स्ट्रांग बनेगी और आपके कवरिंग मटेरियल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 के बाद में क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। कपल क्लोज रूफ इज सूटेबल फॉर मैक्सिमम स्पान ऑफ, कपल क्लोज जो रूफ होती है उसका स्पान कितना होता है, कितने के लिए सूटेबल होता है वो बताइए। कपल क्लोज रूफ, तो कपल क्लोज रूफ के लिए 4.5 मीटर का जो स्पान है वो सूटेबल, जो स्पान है वो मैक्सिमम स्पान 4.5 मीटर का होता है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 141, इन कॉलर बीम रूफ, कॉलर बीम रूफ की बात की जा रही, इन कॉलर बीम रूफ, तो कॉलर बीम रूफ जो होती है उसमें जो टाई बीम वगैरह जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इन अ कॉलर बीम रूफ देयर इज हॉरिजॉन्टल टाइज एट ऑलमोस्ट द मिडिल ऑफ राफ्टर ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि जो कॉलर बीम बनाया जाता है वहां पर हॉरिजॉन्टल टाइज होती हैं, जो राफ्टर बनाया जाता है उस राफ्टर के बीच में, ओनली राफ्टर्स में। क्वेश्चन नंबर 142, द फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट इन अ किंग पोस्ट रूफ ट्रस, किंग पोस्ट रूफ ट्रस जो होते हैं और क्यून पोस्ट रूफ ट्रस होते हैं, आपने सुना होगा क्यून पोस्ट और किंग पोस्ट। तो इसका क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये किंग पोस्ट है तो किंग पोस्ट का काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो साइक जो किंग पोस्ट जो होता है वो क्या करता है कि जो टाई बीम होता है उस टाई बीम को सेगिंग से बचाता है उसके सेंटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तो सेगिंग से बचाएगा। ठीक है, और क्यून क्यून अगर होता, क्यून पोस्ट होता, क्यून पोस्ट 10 मीटर तक काम में लिया जाता है, पता हो तो, है ना, 10 मीटर तक काम में लेते हैं वो भी, इसी तरीके से प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्यून पोस्ट का 10 मीटर तक प्रोवाइड करते हैं ना, और क्लोज कपल 4.5। क्वेश्चन नंबर 143,
द फंक्शन ऑफ क्लीट इन रूफ ट्रस इज, रूफ ट्रस में जो क्लीट होते हैं वो क्लीट का फंक्शन क्या होता है? वन फोर्टी थ्री, क्लीट के बारे में बताइए। तो पर्लिन जो होते हैं उन पर्लिन को वो सपोर्ट करते हैं, पर्लिन को टिल्टिंग होने से बचाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144, द टर्म स्ट्रिंग इज यूज फॉर, जो टर्म होती है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टर्म किस लिए काम में ली जाती है? स्ट्रिंग आपने कहां सुना होगा? स्टेयर में। स्टेयर केस में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अलग अलग जो नाम होते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स के, उनमें स्ट्रिंग सुना होगा आपने, क्वेश्चन नंबर 144। तो आप कहेंगे कि जो स्टेप होती है, स्टेप को सपोर्ट किया जाता है, सपोर्ट करने के लिए कि जो मेंबर काम में लिया जाता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, स्लोपिंग मेंबर विच सपोर्ट द स्टेप इन स्टेयर। क्वेश्चन नंबर 145, द वर्टिकल पोस्ट प्लेस्ड एट द टॉप एंड बॉटम एंड ऑफ अ फ्लाइट सपोर्टिंग द हैंड रेल इज, हैंड रेल आर नोन एज, क्वेश्चन नंबर 145। तो क्या कहेंगे? नेवल पोस्ट। क्या कहा जाता है? नेवल पोस्ट कहा जाता है उसे। क्या कहते हैं? नेवल पोस्ट कहते हैं। और अगर किस्मत सही है और पीडीएफ अगर मैंने सही ओपन की हुई है तो स्टेयर केस शायद इस पीडीएफ में है। अगर ये एसएससी वाली पीडीएफ होगी तो इसमें स्टेयर केस होगा, क्योंकि आरएसएमएसएसबी में स्टेयर केस नहीं था, पता है ना? राजस्थान जेईएन में स्टेयर केस जो है वो नहीं है सिलेबस में। कहीं पढ़ तो नहीं लिया ना स्टेयर केस भी? डोर विंडो स्टेयर केस ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये वाली जो चीज़ें उसमें हैं, क्या बोलते हैं, एसएससी वगैरह में हैं ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये, चलो छोड़ो क्योंकि अब सिलेबस में तो है ही नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता था वैसे तो। ये वो विंडोज़ हैं जो मैं बता रहा था, ये डोर मेर विंडो ऐसी होती है एक्चुअल में, ये लेटरन विंडो होती है जो आप प्रोवाइड करते हो, एक होती है आपकी स्काईलाइट विंडो, ये है स्काईलाइट विंडो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, समझ गए? और ये है गेवल, गेवल विंडो, और ये होती है आपके लवर्ड विंडो, ठीक है? ये लवर्ड विंडो होती है, ये वाली विंडो जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए काम में आएगी, लवर्ड विंडो, इसका नाम भी उसी हिसाब से रखा गया है। ये रूफ का कंसेप्ट था, और ये वो नाम है जिनके बारे में बात कर रहा था, ये है वो नेवल पोस्ट जिसके बारे में क्वेश्चन है, ये है वो नेवल पोस्ट जो हैंडरेल होती है, उस हैंडरेल को ये सपोर्ट करता है नेवल पोस्ट। यहाँ पे जो नेवल पोस्ट के अलावा जितने भी वर्टिकल मेंबर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है बालूस्टर, ठीक है? एक आपका जो स्टेप बनाई जाती है वो ट्रेड और राइजर जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसे नोज कहा जाता है, नोजिंग या नोज कह देते हैं इसे, ठीक है? और इसे स्ट्रेंजर कहा जाता है जो वर्टिकल आपके जो दिखाई दे रहा है, और इंक्लाइंड जो आपका ये पूरा का पूरा जो बीम होता है इसे कहते हैं स्ट्रेंजर बीम, ठीक है? तो इनका, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना कि ये अलग अलग पॉइंट्स होते हैं इसके, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट शुड जनरली बी रेस्ट्रिक्टेड टू, बताइए। क्वेश्चन नंबर 146, अरे जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये वहां पर अपलोड कर दी जाएगी, वो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन पे, नहीं एसएससी मेंस के लिए क्लास नहीं लेंगे, क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12, ठीक है? ध्यान रखना कि मिनिमम जो स्टेप्स जो होती हैं, ध्यान रखना मिनिमम जो स्टेप हैं वो तो हैं आपके 3, और मैक्सिमम जो स्टेप हो सकती हैं वो हो सकती हैं 12, किसमें? सिंगल फ्लाइट में, सिंगल फ्लाइट में इतनी हो सकती हैं, ठीक है? चलिए, और हेडरूम कितना होता है? हेडरूम का भी एग्जाम में ये आया हुआ है, हेडरूम का हेडरूम कितना होता है, हेडरूम के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हेडरूम ध्यान रखना वो होता है 2.05 मीटर। चलिए
विजय सिंह रावत जी, अगर थ्योरी की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, studywithcivilbody.com की वेबसाइट पे, एसएससी वाले सेक्शन से लेना। अगर आपको डोर विंडो भी चाहिए और डोर विंडो स्टेयर नहीं चाहिए तो आरएसएमएस एसएससी जेई की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का आप ले सकते हो पीडीएफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 147। द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट जनरली शुड नॉट बी लेस देन, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी अभी बताया तीन, मिनिमम जो स्टेप होगी तीन होंगी, मैक्सिमम होगी 12। क्वेश्चन नंबर 148, सम ऑफ ट्रेड एंड राइज मस्ट लाई बिटवीन, तो जो आपका ट्रेड और राइज जो होता है, इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होना चाहिए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो राइजर जो होता है वो और ट्रेड, इन दोनों का जो सम होगा, स्टेप जो इन दोनों को मिलकर के बनती है, इनका सम कितना होता है बताइए, कितनी होती है इनकी वैल्यूज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 400 से लेकर के 450 mm, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए, वेरी गुड। तो सम ऑफ राइज ट्रेड एंड राइज मस्ट लाई बिटवीन 400 एंड 450, और अगर बोल दिया जाए 2R+T ये कितना होता है, तो ये होता है लगभग 600 के आसपास mm में अगर बात कर रहे हैं तो। और वैसे हाँ mm में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितनी होती है, वो भी इनकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू भी लगभग सम के बराबर ही होती है, 400 से 450 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 149, मिनिमम विड्थ ऑफ अ लेडिंग शुड बी 149। जो लैंडिंग बनाई जाती है, स्पेलिंग गलत है यहां पर, लैंडिंग आएगा, जो लैंडिंग होती है वो, उस लैंडिंग की अगर बात की जाती है तो लैंडिंग के लिए क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इसमें एक दो क्वेश्चन और भी बन जाते हैं। तो लैंडिंग की जो विड्थ होती है वो उतनी होनी चाहिए जितने की स्टेयर केस की, उससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मान लीजिए स्टेयर केस थी आपके पास में, और इस तरह से आप स्टेयर क्या है, इस तरह से चल रही थी, अचानक से क्या है घुमा दिया गया उनको आगे से, ठीक है डायरेक्शन चेंज हो गई, तो जनरली जो लैंडिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये जनरली लैंडिंग आपने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर। बट अगर क्या होता है कि अगर लैंडिंग प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं करनी, यहाँ पर भी स्टेयर प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर भी कई बार क्या किया जाता है, ऐसे एक यहाँ पर क्या है, एक स्टोन लगा करके इसको भी स्टेप बना दिया जाता है। तो जब ऐसा कुछ किया जाता है तो ये जो पत्थर लगाया जाता है, ये स्टोन लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ट्राइंगुलर स्टोन जो काम में लिया जाता है एट द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टेयर केस, उसे क्या कहते हैं, क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या, सभी को जवाब दो करेक्ट आंसर क्या होगा। YouTube काम नहीं कर रहा है या फिर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, विंडर नहीं सुना क्या, केदार जी बिल्कुल, केदार शर्मा जी बिल्कुल सही है। अरे विंडर एग्जाम में आया हुआ है भाई, कौन सी दुनिया में, ये एग्जाम में पूछा गया स्टेयर केस में, विंडर कहते हैं, विंडर ट्रायंगुलर स्टेप, ट्रायंगुलर स्टेप होती है, विंडर कहा जाता है उसे। जय हो, बहुत आगे तक जाओगे भाई। 150 बच्चे थे, 150 में से एक बच्चे ने जवाब दिया, वो भी काफी देर बाद, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 150, इन एनी गुड स्टेयर द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच रेस्पेक्टिवली शुड बी, अब तो 150 250 बार आंसर आ जाएगा, 250 बार, 250 कमेंट आ चुके होंगे विंडर करेक्ट आंसर का। ट्राइंगुलर जो स्टेप होती है उससे कहते हैं ना विंडर, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, जेईएन में पूछा गया, दो बार तो मैंने देख लिया है। 150 बताइए,
जो पिच रखी जाती है स्टेयर केस में वो कितनी होती है? देखो अब बोलना सही है कि नहीं है, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि डिम्पल जी है, मैं डिम्पल जी से रिक्वेस्ट करना, तो डिम्पल जी आप अपना नाम चेंज कर लो, नाम में कुछ भी लिख लो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लो। सुबह भी देखा गया था, फिर ओनली RSMS भी JEE जो हैं शेखावाटी से पूछ रहे हैं कि आप एजू फोर टेक पता नहीं क्या उस पर हो क्या नहीं हो। यार तुम सवालों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? हर कोई डिम्पल जी को मैसेज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 150 जो है, क्वेश्चन नंबर 150, एंगल जो होता है वो 40 और 25 दो हो सकते हैं, 25 डिग्री और 40 डिग्री, है ना? ऑप्शन नंबर डी। वही तो कह रहा हूँ, अगर मेरा नाम अगर अमित है भी और आवाज़ क्या है थोड़ी सी, वैसे तो आवाज़ बहुत अच्छी, कोयल जैसी आवाज़ है मेरी, आवाज़ का क्या करना, आवाज़ तो बहुत अच्छी है मेरी, सिर्फ नाम बदल लेता हूँ, अमिता कर लेता हूँ, फिर देखिए आप यूट्यूब पर 2,500 लाइव चलेंगे, मूछें कटवानी पड़ेंगी बस उसके लिए, एक समस्या है। मूछों का बलिदान देना पड़ेगा बस, ये है। सही बात है गलत बात है? और डिम्पल जी आप बुरा मत मानना, आपका इसमें कुछ भी गलत, आपके लिए कुछ भी नहीं बोला जा रहा है ना, आप तो सेफ साइड में हो, आपका आपके तो पक्ष में खड़ा हुआ हूँ मैं, कहीं आप सोच रहे हो कि सर मेरा मजाक उड़ा रहे, नहीं आपका नहीं उड़ा रहा हूँ मैं तो नालायकों का उड़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, आज के सवाल पूरे हो चुके हैं, अब मनोरंजन की क्लास शुरू हो चुकी है। 150 का टारगेट था, 101 से 150 करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। राफ्टिंग वाला वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे है, वहाँ देख लेना, मैंने डाला इसलिए नहीं क्योंकि यार ठीक नहीं लगता, फिर कई लोगों को फिर अच्छा नहीं लगता है। मैंने भी एक मेरे कोई थे भ्राताश्री लगते हैं, उनका मैंने फोटो डाला था, उनका बर्थडे था, तो उस पर भी किसी ने कमेंट कर दिया, बोले पर्सनल मैसेज, बोले पर्सनल वो बधाई देनी है तो बोले वैसे दिया करो, यूट्यूब पर क्यों दे रहे हो, बताओ लोगों को इससे भी समस्या है। मैंने कहा जय हो, मैंने कहा क्या कह सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सभी का, और वीडियो प्लीज़ लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है तो, नहीं रात को 1 बजे वाली क्लास में गाने वाने नहीं चलेंगे, 1 बजे वाली क्लास भी अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि 1 बजे वाली क्लास से क्या टाइमिंग पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है, मैं रात को फिर 3-4 बजे सोता हूँ और सुबह 6 बजे अलार्म बज जाता है तो नींद पूरी नहीं हो पाती 2 दिन से मेरा। अब आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ अभी, चेहरे से नहीं लग रहा होगा लेकिन मैं परेशान हूँ अभी, नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। अभिषेक जी कह रहे हैं कि डिम्पल सिस्टर जी आप है ना अपनी वो टेंशन मत लो और डरने की जरूरत नहीं है, पहचान वगैरह मत बदलो। अरे तो पहचान बदलने के लिए नहीं बोल रहे अभिषेक जी, हम भी, हम तो सिर्फ एक बहलाने फुसलाने वाली बात कर रहे हैं कि हाँ अगर डिस्टरबेंस अगर किसी चीज़ से कम हो सकता है वो काम किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके घर पे आपके बाहर वाले लोग आते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आप अंदर ही बैठे हो लेकिन बाहर आप किसी को बोल करके ताला डलवा देते हो कि कोई है नहीं आएगा तो देख के वापस चला जाएगा, वो वाला है ना, क्योंकि अभी हमारा सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिम्पल का जो वो है रेस्पॉन्स है क्वेश्चन को लेकर कितना बढ़िया है, परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि सही आंसर आते हैं बिल्कुल, ऐसे फालतू के अगर परेशानी होती मैसे वैसे से तो उनसे बढ़िया है कि साइड किया जाए, है ना। अब पॉजिटिव रहो, एकदम मस्त रहो, पॉजिटिव रहो, मजे करो, जिंदगी में क्या करना है, ये फालतू की चीजें हैं ऐसी रह जाएंगी साइड में, कोई
कोई नहीं पूछने वाला इनको। केदार शर्मा जी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर रिसीव नहीं हुई है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपका एड्रेस मुझे बताना, मैं ट्रैक करूंगा कहां पर है। और डिप्लोमा का रिजल्ट भी, गोपाल लाल जाट जी, डिप्लोमा का रिजल्ट पाइपलाइन में, ऐसा मैंने कोई ऑडियो सुना था किसी ने कॉल किया RSMSSB बोर्ड और पूछा, तो वहाँ पर जो रिसेप्शन पे रहते हैं उन्होंने बोला कि पाइपलाइन में है, तो वो बच्चा फिर बोलता है कि सर पाइपलाइन का मतलब क्या है, मतलब कहाँ पर है रिजल्ट, बोले पाइपलाइन में है, तो बोले सर पाइपलाइन क्या होता है, बोले मैं यही टर्म काम में ले सकता हूँ, बोले पाइपलाइन में है तो मैं भी ये कहता था पाइपलाइन में है रिजल्ट अभी। चलिए तो नेक्स्ट जो आपकी क्लास है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 151 से लेके 200 तक के जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, और क्लास होगी आपकी कल, ठीक है, कल आपकी क्लास है, टाइमिंग वही 10 PM। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही एकदम बढ़िया तरीके से आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पॉजिटिव रहिए एकदम, और टेंशन वेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, और जितना हो सके अपना जो टाइमिंग है स्टडी का टाइमिंग तो वो इंक्रीज़ कीजिए थोड़ा सा, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे थे तो उसको 7 कीजिए, 7 पढ़े तो 8 कीजिए, 8 करे तो 9 कीजिए, तो क्योंकि एग्ज़ाम अभी बस धीरे धीरे एग्ज़ाम के जो दिन हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो अपनी जो पढ़ाई है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाइए, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सिविल बॉडी की जो टी शर्ट है, अविंदर सिंह जी, टी शर्ट का भी चल रहा है जुगाड़ पानी, और टी शर्ट का प्रिंटिंग वगैरह के लिए कर रही है बातचीत, कर रहे हैं कि टी शर्ट छपवा रहे हैं किसी बच्चे को अगर चाहिए तो वो ले सके, तो उसकी बातचीत चल रही है ना, तो टी शर्ट वगैरह जब अवेलेबल होंगी तो आपको बताएंगे, ठीक है, और बाकी सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मेरे से मिलने आना, मैं आपको फिर फ्री में टी शर्ट दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।